दिल्ली में मंगलवार को ट्रैक्टर परेड निकाल रहे किसानों की भीड़ पुलिस की ओर से तय किए गए रूट से बाहर निकलकर लाल किले तक पहुंच गई। ये किसान सिंधु बॉर्डर से आए थे। हिंसक भीड़ ने यहां तैनात पुलिस वालों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। जान बचाने के चक्कर में कई जवान खाई में गिर गए, इसका एक वीडियो सामने आया है। इस घटना में 83 पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। जो मल्टी राउंड्स की बातचीत हुई किसान आंदोलनकारियों के साथ दिल्ली पुलिस की, उसमें कुछ रूट तय किए गए थे। उस हिसाब से दिल्ली पुलिस ने अपना बंदोबस्त किया और किसान आंदोलनकारियों को फैसिलिटेट करने का इंतजाम भी किया, पर किसान आंदोलनकारी जो हैं उन्होंने इस रूट को नहीं माना और समय तय समय से पहले ही जो वो चल पड़े और कई जगह उन्होंने हिंसक घटनाओं को भी अंजाम दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस के कई लोग घायल हुए हैं और जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका भी नुकसान हुआ है। दिल्ली पुलिस ने फिर भी काफ़ी संयम रखा और ज़रूरत के हिसाब से ही बल का इस्तेमाल किया। अभी भी मेरी उनसे किसान आंदोलनकारियों से यही अपील है कि वो जो तय रास्ते हैं उसी से वापस लौट जाएं और शांति बनाए रखें। दोपहर करीब 2 बजे हजारों किसान मेन गेट से लाल किले के अंदर घुस गए। उन्होंने अंदर तोड़फोड़ तो की ही, किले की प्राचीर पर चढ़कर धार्मिक ध्वज, निशान साहिब और किसानों का झंडा लगा दिया। हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री इसी जगह तिरंगा फहराते हैं। यह हंगामा करीब 90 मिनट तक चलता रहा। इसके बाद पुलिस ने उपद्रव कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया और उन्हें खदेड़कर बाहर निकाल दिया। कितने पुलिस वालों को चोटें आई, क्योंकि जैसे आपने बताया कि कुचलने की कोशिश की गई थी, तो क्या हुआ था कि जो इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जो एडिशनल DCP ईस्ट है मंजीत, उनके ऊपर भी ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई और अगर ऐन वक्त पे उन सुरक्षा कर्मियों ने उनको हटाया नहीं होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हमारे यहाँ एक प्रोबेशनर ACP हैं, उनके भी चोट आई है। इसके अलावा बहुतेरे पुलिस वाले हैं जिनकी MLC वगैरह अभी हो रही है, उनके बहुत लोगों के चोट यहाँ पे आई है इस पूरे प्रदर्शन के दरमियान। तो ये काफ़ी उग्र तरीके से ये डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, रैली की गई जिसमें व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ हुई है, उसपे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसानों की हिंसा के बीच लाल किले के पास लगभग 300 आर्टिस्ट फंस गए, इनमें बच्चे भी शामिल थे। ये सभी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए थे। कई घंटे फंसे रहने के बाद पुलिस ने उन्हें रेस्क्यू किया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें दरियागंज में भेज दिया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की तस्वीरें दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र से मेल खाती नजर आ रही हैं। जिस तरह लाल किले पर आंदोलनकारियों ने उपद्रव किया, ठीक उसी तरह अमेरिका में 6 जनवरी को ट्रंप समर्थकों ने भी हंगामा किया था। हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थक अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में घुस गए, यहाँ तोड़फोड़ की, सीनेटरों को बाहर किया और उनके ऑफिसों पर कब्जा कर लिया था। बाद में सुरक्षा बलों ने इन्हें बाहर निकाला। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।